हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक नई अपडेट सामने आई है एग्ज़ाम्स को लेके। काफ़ी लोगों के मन में जो डाउट है कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएगा कि और मार्क्स मिल जाएगा, प्रमोट हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को जो है सरकार ने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि 10th और 12th का ऐसे एग्ज़ाम्स है जो ऑल ओवर इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो है मान्यता है, और इसे इसी के बेस के आधार पे ही लोगों को जॉब मिलती है। इसी के बेस के आधार पे आपको हायर एजुकेशन में जो है स्टडी करने को मिलती है, तो इसे जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता। और संविधान की गरिमा को देखते हुए भी अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से एग्ज़ाम्स नहीं लिया जा सकते, लेकिन आने वाले समय में जैसे हालात ठीक हो जाएंगे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम्स आपका कैंसिल नहीं होने वाला है। 10th के एग्ज़ाम्स को लेकर उन्होंने कहा है कि 10th का ऑलमोस्ट सभी पेपर्स हो गए थे, कुछ जगहों पर जो है एक पेपर्स रह गए थे। तो सरकार ने कहा है साफ साफ मनीष सिसोदिया कि जो 5 पेपर आपके हो गए थे उसी के बेस के आधार पे आपके 6ठे जो है सब्जेक्ट में मार्क्स मिल जाएंगे आपको, और बाकी जो CBSE बोर्ड के 12th के एग्ज़ाम से उन्हें कंडक्ट कराया जाएगा जो मेन मेन सब्जेक्ट है। तो फिलहाल अभी लॉकडाउन के बाद ही जो इसके ऊपर विचार किया जाएगा, जिस हिसाब से कंडीशन रहेगी और जिस हिसाब से हालात रहेंगे उस हिसाब से जो है आपका पेपर लिया जाएगा, और कम समय में ही जो है आपका पेपर ले लिया जाएगा। लेकिन आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा जब भी जो है अनाउंसमेंट होगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। और साथ ही दोस्तों, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा इस बात की जो है पुष्टि हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए लेकर आएंगे 10th 12th से जुड़े सभी एग्ज़ाम्स के अपडेट सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पर।